गाइस बिलिंग सॉफ्टवेयर वो भी 100% फ्री। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को आपको सिर्फ पूरा देखना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि 100% फ्री होने वाला है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से आप, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बड़े ही आसानी से सारे काम करने वाले हैं। बट जैसे ही आपके बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो वन टाइम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट का फी देना है एक बार में, और लाइफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है। बट छोटे बिजनेस वाले को कोई पैसा नहीं देना है और पूरा पूरा जो प्रीमियम फीचर्स है वो भी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये किसी भी तरह का एंड्रॉइड एप्लीकेशन नहीं है, ना प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है। ये पूरा का पूरा डेस्कटॉप पीसी लैपटॉप जो होता है विंडोज वर्जन का, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर से बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, जाकर चेक कर लीजिए। तो चलते हैं पीसी पे, इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, क्या क्या फीचर्स एक बार ओवरऑल आपको दिखा देते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। लेफ्ट साइड में सारा का सारा यहाँ पे मेन्यू बनाया है। सबसे पहले सेल का, सेल में जाएंगे तो इनवॉइस, न्यू इनवॉइस आप बना सकते हैं। सर्च एंड मैनेज इनवॉइस, जो पुराना जो इनवॉइस उसको सर्च भी कर सकते हैं, मैनेज जो चेंजेस वगैरह करना वो भी कर सकते हैं। किसी क्लाइंट को कोटेशन मांगते लोग को कोटेशन यहाँ से बना सकते हैं और कोटेशन को मैनेज भी कर सकते हैं, जैसे इनवॉइस को कर रहे थे कि न्यू परफॉर्मा इनवॉइस, तो कोई नया परफॉर्मा इनवॉइस का वो भी आप बना सकते हैं। सर्च एंड मैनेज जो है परफॉर्मा इनवॉइस को ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परचेज, क्योंकि एड बिल जो कि सबसे पहले परचेज में आती है, हम एड परचेज बिल, किसी से कोई प्रोडक्ट आप परचेज करके लाते हैं तो जो परचेज इनवॉइस होता है ना उसको आप अपने इस सॉफ्टवेयर हाईटेक सॉफ्टवेयर में आपको सबसे पहले ऐड करना पड़ता है। क्योंकि एक बार उस प्राइस में, उस जीएसटी में, उस सप्लायर के डिटेल्स में अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए उस डेट में वो सेव हो जाता है। उसके बाद किसी भी तरह से कोई इश्यू नहीं होता है आपको। जब भी वो प्रोडक्ट को बेचते हैं तो सेल प्राइस जो परचेज प्राइस है वो तो आपके पास होता ही है, तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस है तो उसके हिसाब से ये प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट हो जाता है। उसी तरह से मैनेज करने के लिए जो बिल वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। परचेज रिटर्न, कई बार परचेज करने के बाद उसको रिटर्न भी करना पड़ता है तो परचेज रिटर्न की भी एंट्री यहाँ कर सकते हैं। इन्वेंट्री, आप अपने स्टॉक को मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एंड्रॉयड टीवी बॉक्स बेचते हैं तो 50 पीस लाए तो आप अपने स्टॉक को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कितना स्टॉक बचा है, कितना बिक गया। सप्लायर की डिटेल आप चेक कर सकते हैं, किस सप्लायर से लाए हैं, कभी करोलबाग से लाए हैं या चाइना से लाए हैं, इंग्लैंड से लाए हैं, पाकिस्तान से लाए, मतलब नहीं है, जहां से लाए, जो सप्लायर के नाम वगैरह, अपने लोकेशन वगैरह पूरा यहाँ से आपको डालना है और उसको भी यहाँ पे मैनेज आप कर सकते हैं। एक्सपेंसेस, जैसे कि हमें भी आए दिन जो बिजनेस में बहुत सारे खर्चेज होते रहते हैं, जो भी एक्सपेंसेस की डिटेल है, एड एक्सपेंसेस, सर्च एंड मैनेज, ये सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। अब है क्लाइंट्स, आपकी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो रेगुलर वे पे आपसे परचेज करते होंगे, तो क्लाइंट को ऐड करना और क्लाइंट को भी मैनेज करना, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर जो है वो भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है, फ्री वाले में तो शायद एक स्टाफ मिलेगा, बट जैसे आप परचेज लेंगे फिर स्टाफ में वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो स्टाफ को ऐड करना, उसको मैनेज करना, उसका कैश ट्रांसफर करना, उसको भी मैनेज करना कैश को, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, रिपोर्ट क्या क्या रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए अकाउंट में आएंगे तो डे कैश बुक, आप डे बाई डे कैश बुक क्या है, कैश बुक में कैश रिसीव कितना हुआ, डेली समरी क्या है, पेमेंट रिसीव कितना हुआ, इनपुट आउटपुट टैक्स कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे अच्छा, नॉर्मली बिलिंग सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता, सिर्फ इन्वेंट्री बना देते हैं, बिलिंग बनाकर छोड़ देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस समरी डे बाई डे भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। भैया तो आज मेरे क्या सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो चीज़ आप देख सकते हैं। कोई भी बिजनेस में जब तक प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता नहीं होता ना, मजा नहीं आता बिजनेस में, पता ही नहीं चलता बिजनेस में क्या चल रहा। मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, ये बहुत छोटे छोटे दुकान है ना उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा होगा, हालांकि बड़ा बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन छोटे वाले के लिए तो खैर एकदम मतलब बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इन्वेंटरी में आते हैं, देखिए क्रिटिकल लेवल, स्टॉक अवेलेबिलिटी, स्टॉक क्या स्टॉक है, आइटम रजिस्टर, आइटम की पूरी रजिस्टर, पूरी लिस्ट बनेगी क्या क्या आइटम है, स्टॉक को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आइटम की लिस्ट आप पूरा देख लीजिए, ब्रांड वाइज स्टॉक कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कर सकते हैं, इन्वेंट्री कर सकते हैं, फास्ट मूविंग, तो लगभग इन्वेंट्री के सारे मॉड्यूल यहाँ पे है। सेल्स में देखिए, सर्च सेल्स, आइटम वाइज सेल, आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि आप मिनी कीबोर्ड बेच रहे हैं तो मिनी कीबोर्ड कितना बेच रहे हैं, मान लीजिए कि कोई साबुन बेच रहे थे, ये साबुन कितना बिक रहा है, आपको यहाँ से ये भी आपको आइडिया लगता चला जाएगा। मंथली सेल्स कितना है, लास्ट 7 डेज का, 30 डेज का, और टोटल आइटम सेल कितना है वो पता चलेगा। सेल्स प्रॉफिट मार्जिन ये भी आप निकाल सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए तो मैंने बताया किस क्लाइंट से, आप देख लीजिए पेमेंट की हिस्ट्री और अमाउंट ड्यू कितना किसका बाकी है, वो सारा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। परचेज जैसे आप करते हैं, इनवॉइस को परचेज करते हैं तो अपने परचेज को सर्च कर सकते हैं, आइटम वाइज भी चेक कर सकते हैं, सप्लायर वाइज की सप्लायर से क्या क्या परचेज किया, कितना डिटेल, मंथली क्या परचेज हुआ, लास्ट 30 डेज, लास्ट 7 डेट में क्या परचेज की पूरी डिटेल्स, या फिर परचेज रिटर्न है, सारे डिटेल्स आपको मिले। सप्लायर में भी देखिए
अकाउंट बैलेंसिंग और पेमेंट एंट्री, ये सारे सप्लायर में मिलेंगे। एक्सपेंसेस जो जो किए हैं लास्ट 30 डेज 7 डेज में, वो पूरा मंथली वाइज आप चेक कर सकते हैं। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एनालिसिस, ये एनालिसिस कर सकते हैं। बिजनेस ट्रेंड क्या आपका चल रहा है, क्या एनालिसिस मतलब क्या कि कौन कौन प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कि कौन प्रोडक्ट पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, क्या मार्जिन है, तो वो एनालिसिस करके आप अपने हिसाब को बिजनेस को और बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर 5,000 रुपीज़ वन टाइम देना नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपका छोटा बिजनेस है तो वो फ्री भी है। तो लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है ना प्रोडक्ट वर्सेज सर्विसेज से, ये सब चीज़ बहुत मतलब आपको बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। स्टाफ का सारा मैनेजमेंट आप चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस यहाँ तक लगा सकते हैं, लेकिन अगेन बायोमेट्रिक अटेंडेंस फ्री वाले में नहीं है, ये सिर्फ पेड वाले में है। जीएसटी रिपोर्ट आप क्लिक करेंगे, जीएसटी रिपोर्ट रेडीमेड बनकर तैयार हो जाएगा। मास्टर में क्या है देखिए, मैं भी चेक करता हूँ, प्रोडक्ट को ऐड करना है, सर्विसेज को ऐड करना, इसके बाद ब्रांड मास्टर, ग्रुप मास्टर, हॉलीडे मास्टर, देखिए डिटेलिंग आप करेंगे बहुत डिटेल आपको पता चलेगा। टूल्स में देखिए रिमाइंडर सेंड एसएमएस, क्लाइंट के फोन पे एसएमएस भी जाता है। जीएसटी यहाँ पे के नीचे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी आपको दिया हुआ है, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर क्लाइंट को कहीं से भी लाके सीधा का सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहाँ एंट्री किए हुई, तो उसको भी सीधा का सीधा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सेटिंग दी गई है जैसे कंपनी का, हमने अभी डिटेल वगैरह डाला था, वही कंपनी के आप सेटअप वगैरह कर सकते हैं, जनरल सेटिंग, जो भी चेंजेस वगैरह, एसएमएस की सेटिंग, ईमेल की सेटिंग, बैकअप वगैरह, बायोमेट्रिक सेटिंग वगैरह, पॉस मशीन से आप करना चाहिए, ये सारे काम कर सकते हैं। और हेल्प आपको बने हुए हैं, कोई इशू आ रही है, कोई अपडेट आ रहा है, तो उसके लिए सारे चीज आपको दिखा हुआ। देखिए ये डैशबोर्ड बहुत सिंपल है, रोज का, टूडे का, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, क्या अमाउंट रिसीव हुआ, क्या पे, वो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ग्राफ नजर आएगा, हालांकि ग्राफ आपको दिख नहीं रहा है, ये ग्राफ तब होगा जब आप सेल परचेज करेंगे, तब आएगा डेफिनेटली। ये क्लाइंट अमाउंट, क्लाउंट ये अमाउंट रिसीव और क्लाइंट कैश, ये सारे रिसेंट सेल्स जो भी सेल्स होंगे डेट वाइज जो है वो ग्राफ में आपको ये शो होगा। यहाँ से आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और कोटेशन निकाल सकते हैं, जो परचेज कर रहे हैं उसकी, जो एड परचेज की डिटेल डाल सकते हैं, जो एक्सपेंसेस है उसकी डिटेल डाल सकते हैं, और अपने क्लाइंट की डिटेल डाल सकते हैं, रिमाइंडर यहाँ से सेट कर सकते हैं। गाइज मुझे नहीं लगता कि ये सॉफ्टवेयर को समझाने की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है। राइट साइड में जीएसटी कैलकुलेटर भी शॉर्टकट में दिया हुआ है, और यहाँ पर सर रिमाइंडर भी दिया हुआ है। चलिए तो ये एक वन क्लिक सेल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, बढ़िया सर्विस है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो गाइज मुझे ये लगता है कि हाईटेक का जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो भी आप बोलिए डेस्कटॉप वर्जन का या विंडोज वर्जन का, ये सिर्फ इन्वेंटरी नहीं है, ये सिर्फ इनवॉइस बनाने का नहीं है, ये सिर्फ कोटेशन बनाने का नहीं है, इसके अलावा जीएसटी के साथ साथ आप यहाँ पे डेली का प्रॉफिट और लॉस दे सकते हैं। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैं बार बार आपको इससे बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी आज तक कोई एप्लीकेशन ये नहीं मिली कि रोज का प्रॉफिट एंड लॉस, मंथ का, 7 डेज का, लास्ट 30 डेज का प्रॉफिट एंड लॉस कोई नहीं बताता। यहाँ तक कि बिजनेस एनालिसिस की जो रिपोर्ट यहाँ पे आप देखे होगी का, मैंने आपको दिखाया था, ये चीज जो बता रही है एनालिसिस, ये चीज आपको कोई बताता नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बता रहा है। डेफिनेटली मैं बोलूंगा आप इसको लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चेक कीजिए। देखिए फ्री वाला ही चेक कीजिए, कोई जरूरत नहीं खरीदने का, लेकिन चेक कीजिए, आपको खुद इतना अच्छा लगेगा, डेफिनेटली आप इसको स्विच करेंगे। 500 रुपया वन टाइम देना, कुछ भी एक्स्ट्रा फी, कोई भी हिडन फी, कुछ भी आपको नहीं लगना। गाइज कैसी लगी सॉफ्टवेयर, मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आपको फ्री में क्या देगा, अगर आपकी लिमिटेशन भी आपको दे रही है तो वो छोटे बिजनेस वालों के लिए 30 इनवॉइस निकालते हो महीने में तो कुछ नहीं, एक दिन में 1 इनवॉइस पर्याप्त है, छोटा बिजनेस वालों को इससे ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा का है, तो 5,000 रुपये बस एक बार आप फी देके निश्चिंत हो जाइए, लाइफ टाइम के लिए फ्री, लाइसेंस की यूज़ किए तो ये आपको बहुत कमाल के इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलेगी, बहुत सारे नए नए फीचर्स जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, कि वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों में, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।